तो जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से राम नाम की चाबी के छल्ले, माला, लॉकेट और राम मंदिर मॉडल यानी राम नाम से जुड़ी चीजों की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। भगवान श्री राम के नाम वाले सामानों के अलावा भगवान हनुमान की तस्वीर वाले चाबी के छल्लों और लॉकेट की भी काफी मांग पड़ चुकी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या की दुकानें श्री राम मंदिर से जुड़े यादगार सामानों से भरी हैं। इनमें जय श्री राम लिखे चाबी के छल्लों से लेकर राम मंदिर के मॉडल तक शामिल हैं। श्रद्धालु दुकानों में इन सामानों को खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगले साल 22 जनवरी को होनी है। जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से जो है राम नाम के सभी छल्ले, चाबी छल्ले, माला, लॉकेट और जो राम मंदिर मॉडल, राम के नाम के सभी चीज़ का बिक्री जो बढ़ गया। काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं जिससे राम के नाम के सभी चीज़ें की बिक्री बढ़ गई है। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आए और ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे भी आते रहेंगे और अच्छा लगा। यहाँ से जो राम मंदिर की जो छवि या भगवान की छवि लेके जा रहे वो जीवन भर हमारे दिलों में रहेगी। भगवान श्री राम के नाम वाले सामानों के अलावा भगवान हनुमान की तस्वीर वाले चाबी के छल्लों और लॉकेट की भी काफी मांग है। भगवान राम के जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं 22 जनवरी या उसके आसपास जो भी लोग आ रहे हैं वो नई चीज़ों पे ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ रहा है। और रही बात राम भक्त के लिए जो है जब चाबी छल्ले की बात है तो कड़कड़ में राम और राम जय श्री राम लिखा हुआ चाबी के छल्ले पहले क्रेज था, लेकिन इस बार उसका क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो भी आता है वो भगवान राम में एकदम बिल्कुल एकदम उसकी भक्ति में लीन होकर के उनसे संबंधित सारी चीज़ें वो खरीदना चाहता है। ये जितने भी बाहरी आ रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर के, वो राम जी के संबंधित कोई भी सामान लेना चाह रहे हैं, इसलिए चाबी छल्ला, कड़ा, मूर्तियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा मॉडल वॉडल आजकल बहुत ज़्यादा बिक रहा है। खरीदारी करने वाले श्रद्धालुओं के मुताबिक ये सामान महान स्मारिका है। इन्हें वैसे लोगों को भेंट किया जा सकता है जो श्री राम मंदिर नहीं जा पाए हैं।